भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन। पिया से कहना बहना याद करे, तारों में तेरी बहना है सारी। नीले पीले धागों से रंग जीवन के रंग डाले, जिनकी होती है पहन। हैप्पी रक्षाबंधन, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जितनी भी बहनें हैं दुनिया में, उन सभी के भाई हमेशा खुश रखें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सब सुखी रखें। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज रक्षाबंधन है, अब आदत पड़ गई है आप सबके साथ अपनी छोटी छोटी खुशी शेयर करने की। तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग भी शेयर कर लेती हूँ रक्षाबंधन का। तो मैं तो बहुत दूर हूँ अपने भाइयों के पास, तो मैं जा नहीं पाई। मैं बहुत ही दूर हूँ उनसे, क्योंकि वो उत्तराखंड में हैं और मैं भोपाल में हूँ। कम से कम हमारे 2 दिन लग जाते हैं यहाँ से जाने में। तो बहुत याद कर रही हूँ मैं आज उनको, आप समझ ही सकते हो, बहुत ही ज़्यादा याद कर रही हूँ मैं उनको। 2 भाई हैं मेरे और मैं एक बहन हूँ। तो राखी मैंने दोनों के लिए भेज दी थी, तो राखी पहुँच गई थी उनकी। मेरे ताई के लड़के भी हैं, वो बड़े भैया भी, उन सब के लिए मैंने राखी भेजी थी, तो उन्होंने मेरे लिए फ़ोटो भेज दी थी। तो छोटा वाले की तो यूनिट में ही रह गई थी राखी, तो वो नहीं पहन पाया, क्योंकि आजकल क्वारंटाइन हो रखा, वो घर से गया, छुट्टी गया था ना वो, तो इस वजह से वो नहीं पहन पाया राखी। तो बुरा लगता है ना, जैसे भेजो तो मजबूरी थी, वो भी क्या करे, नहीं पहन पाया। ऊपर से अब ऐसे ही हो गया, पहले के जैसे टाइम नहीं रह गया। अब कहना कि बहुत ही प्यारा त्यौहार होता है ये, भाई बहनों का जो रिश्ता होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। आज मैंने घेवर बनाया पहली बार, तो मैंने कहा देखती हूँ कैसा बनता है कैसा नहीं बनता। तो अच्छा ही बना था, टेस्टी हो रहा था खाने में, अच्छा लगता है। ऐसे कोई कोई चीज़ें ना, आप ट्राई करते रहो ना, खाली बैठ के क्या करना है, कुछ ना कुछ करते रहो तो अच्छा लगता है खाना पीना। जैसे वैसे घर का सही भी है, घर का बनाओ ना आप, तो घर की चीज़ें अच्छी भी है। वैसे बताऊँ क्या होता है, जैसे आप खुद बनाते हो ना, खुद से अपने हाथ से बना हुआ खाने में मतलब इतना अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई और बनाए ना, उसका बनाया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, अपना बनाया हुआ इतना अच्छा नहीं लगता। दूसरे के हाथ से बनाया हुआ तो अच्छा भी लगता, खुद बनाओ तो खुद बनाया हुआ नहीं खाया जाता। घेवर की रेसिपी भी शेयर करूँगी आप सबके साथ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। तो हमको घेवर बनाने के लिए चाहिए 1/2 कटोरी घी और बर्फ़ के टुकड़े, 3-4 बर्फ़ के टुकड़े। फिर हमने इसको मिक्सर ग्राइंडर में घुमा देना है, तो ये जैसे मक्खन की तरह ऐसे बन जाएगा, सॉफ्ट सा हो जाएगा ये घी और बर्फ़ डाला है जो हमने। अब हम इसमें 1/2 कप दूध ऐड कर देंगे। फिर हमने मिक्सी को फिर से चला देना है, फिर ये ऐसे मक्खन नहीं होता, ऐसे सॉफ्ट सा मक्खन की तरह बन जाएगा ये। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, मैदा हमने 1-2 चम्मच ही डालना है, नहीं तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। 1-2 चम्मच करके ही डालना है, एकदम से नहीं डालना है। फिर से हम इसको मिक्सी में घुमा देंगे, मिक्सी को चला देना है हमने। फिर हम 1-2 चम्मच मैदा डालेंगे, फिर हम मिक्सी को घुमाएंगे, ऐसे ही करना है। फिर जितना भी बचा था मैंने सारा चला दिया है मिक्सी में। अब ये बैटर बन के तैयार है। अभी मैंने इस बैटर को और पतला करना है, तो मैं इसमें डालूंगी ठंडा पानी। तो मैं ठंडा पानी आपको बताऊंगी कि ठंडा पानी डालने का क्या रीज़न है, हम इसमें ठंडा पानी क्यों डालते हैं। तो अभी हमने इस बैटर को और पतला बनाना है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन और फिर हम इसको मिक्सी में घुमा देंगे। फिर 1 चम्मच डालेंगे हम नींबू का रस, ये सारे हलवाइयों के राज हैं, हलवाई ऐसे ही बनाते हैं। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और ऐड किया। तो इसका बैटर ऐसे ही बनाना है आपको, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। फिर मैंने एक बर्तन में बर्फ़ डाला, फिर जो बैटर बनाया था मैंने बाउल में इसको रख दिया ऐसे, ताकि इसका जो बैटर है अच्छे से हो जाए। तो आपको एक ऐसी बोतल चाहिए, क्योंकि आप बिगनर्स तो पहली बार बना रहे हो, तो ऐसी बोतल में डाल देना है, या किसी ढक्कन में आप होल करके छेद करके ऐसे ही बना सकते हो बैटर को, या आप कच्छे से भी डाल सकते हो। तो ऐसे ही डालना है आपने, ऐसे ही धीरे धीरे करके डालना है हमने जो बैटर है ना, ऐसे ही धीरे धीरे करके डालना है इसमें। तो फ्रेंड्स, ठंडे पानी डालने का रीज़न यही है, जो घेवर में जाली बनती है ना, इसीलिए वो जाली बन पाती है। जो ठंडा पानी डालते हैं ना, इसी वजह से वो घेवर में जाली बन पाती है। मैंने भी पहली बार ही बनाया, मुझे बहुत ही टेंशन हो रही थी, मतलब
ऐसे घबराहट सी हो रही थी कि पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बन पाएगा। तो मैंने पहले पतीले में बनाए, तो अब ऐसे पतीला मत लेना स्टील वगैरह का, ऐसी मैंने पुरानी सी कढ़ाई ली है जानबूझ के जिसमें ये चिपके ना बैटर, तो ऐसे ही करना है अपने वैसे बर्तन में बनाना है जिसका जो तला होता है ना मोटा होता है, मतलब चिपकना नहीं चाहिए उसमें। और एक होल बना दिया मैंने ऐसे घेवर में जैसे बनाते हैं ना, तो एकदम उसी टाइम मत बनाना, आप बाद में बना सकते हो क्योंकि आप पहली पहली बार बना रहे हो तो ख़राब हो जाएगा एकदम से। आप होल बनाने की कोशिश करोगे तो आप थोड़ी देर बाद ज़रा सा पक जाएगा जब, तब होल बना सकते हो उसमें। तो ऐसे किसी बर्तन में लेना जो मतलब चिपके ना बैटर जिसमें। तो अब घेवर बन के तैयार है, मैंने घी से बनाया है घेवर। घी से बनाने में घेवर का बहुत ही स्वाद आता है, इसका ना स्वाद है ना जो दुगना बढ़ जाता है घेवर का। अब मैं बना रही हूँ रबड़ी, तो मैंने दूध रख दिया है और बस 10 मिनट में बन जाएगी आपकी रबड़ी। ऐसे ब्रेड के टुकड़े डाल देना, आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में भी घुमा सकते हो, मैंने तो ऐसे डाल दिया था इसमें क्योंकि ब्रेड तो घुल ही जाती है दूध में वैसे भी आसानी से। तो 10 मिनट में बन जाएगी आपकी रबड़ी, बहुत ही यम्मी सी टेस्टी वाली लाजवाब रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। बस अब रबड़ी भी बन गई है और मैं इसमें ने पिस्ते डाल दूँगी, इसमें पिस्ते काट के रखे थे मैंने, तो इसमें पिस्ते डाल दिए। तो घेवर बनाओ तो घेवर में पिस्ते के बिना तो घेवर अच्छा नहीं लगता है। आपको जो ड्राई फ्रूट्स अच्छा लगता होगा आप उससे सजा सकते हो उसको, बिना रबड़ी के तो घेवर घेवर ही नहीं होगा जब तक इसमें रबड़ी ना मिलेगी, घुल मिल ना जाए इसमें रबड़ी। जब तक आप इसे रबड़ी से ना सजा लो तब तक आपका घेवर एकदम अधूरा है। और थोड़े से कटे बादाम भी डाल दिए हैं मैंने पिस्ते वगैरह से, तो देख लीजिए आप कैसा बना है। लग रहा है ना एकदम टेस्टी, बहुत ही टेस्टी हो रहा था, बहुत ही बढ़िया हो रहा था। मैंने पीस में भी दिखा रही आपको, कट कर दिया है, तो बहुत ही टेस्टी हो रहा था। और एंजल को मैं बोल रही बेटा तैयार हो जाओ, अटेजी लेके घूम रही है, तो अब राखी बांधने की तैयारी हो रही है। तो कैसे बैठ रखी एंजल, वो कार्टून लगा रखे टीवी में हमने उसके लिए, तो उसके पापा राखी बांध रहे, तो मैंने सामने से दिखा रही हूँ मैं आपको वीडियो। तो एंजल को भी पसंद आए, एंजल ने भी थोड़ा खा लिया था। तो माँ बहुत ही खुश हो जाती है अगर माँ ने कोई चीज़ बनाई है ना, बच्चा खा ले ना, माँ सफल हो जाती कि मेरे बच्चे ने खा लिया है, तो माँ को बहुत खुशी मिल जाती है। एंजल अपने पापा के साथ खेल रही है तो भाग रही है, बस उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, तो हंसे जा रही हो। भाई बहन तो ऐसे होते हैं ना कि आप बचपन से ही साथ खेलते हो, साथ बड़े होते हो, आपकी शैतानियाँ, आपका रूठना मनाना, कभी बचपन भी कितना प्यारा था ना, जब तक आपकी शादी नहीं हुई रहती, मतलब आप अपने घर वालों के पास रहते हो, उनसे मिल सकते हो, शादी के बाद तो कहाँ हो पाता है ऐसा ना, मिलना जुलना नहीं हो पाता। तो जो भी अनमैरिड है मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जो आपकी अभी की लाइफ है ना, इस लाइफ को आप बहुत ही अच्छे से जियो, क्योंकि ये लाइफ दोबारा नहीं आएगी। आप मतलब जैसे अभी अपने भाई बहनों के साथ, मम्मी पापा के साथ रह पा रहे हो, बाद में नहीं रह सकते हो आप ऐसे, ना ही उनसे मिल सकते हो, बस ये कि फ़ोन में बात हो जाती है, ऐसा ही होता है। लेकिन त्योहारों में मिलना तो कितना अच्छा लगता, खूब हंसते मुस्कुराते हुए इस पल को आराम से खुल के जियो, क्योंकि ये पल कभी दोबारा वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं आएगा ये टाइम, आपका दोबारा आता ही नहीं आपके पास। जो टाइम चले गया तो चले गया, ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। फिर आपकी जब शादी हो जाएगी तो आप इन यादों को याद करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही खुशी होगी आपको, बहुत ही अच्छा फील होगा कि मैंने अपने परिवार वालों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ इतना अच्छा टाइम गुजारा। तो वो आप सबको याद रहेगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तब बाद में। अभी तो आपको ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी ना उसके बाद आपको ये बातें समझ में आएगी। मिलने का मन ही करता है अपने भाई बहनों से, एक बहन हो तो मुझे भी आज बहुत याद आ रही थी, घर की भी, पापा और की भी, आप समझ ही सकते हो, और मम्मी की भी। तो बस मेरा परिवार इतना बड़ा तो है नहीं, मम्मी मेरी है नहीं, दो भाई हैं मेरी भाभी हैं,
छोटा सा परिवार, इतना बड़ा परिवार नहीं है। तो कभी मैं जब घर जाऊंगी तो घर का ब्लॉग वगैरह शेयर करूंगी आप सबके साथ। जब रक्षाबंधन आता था हम छोटे थे या शादी से पहले, तो पहले भैया बैठ जाता था, भैया पहले फर्स्ट नंबर पे भैया बैठ जाता था, सेकंड में छोटा वाला भाई बैठ जाता था। कि छोटा वाला भी बोलता था, दीदी पहले ना भैया को बांधो राखी फिर मुझे बांधना। तो वो सब बचपन की यादें आ रही है और बचपना याद आ रहा है। परी की तरफ से भी हम राखी भिजवा देते हैं। परी के भाई बहन तो काफ़ी बड़े हैं, मेरी जिठानी के बच्चे तो काफ़ी बड़े हैं, बड़े वाले के तो बहुत जवान जवान हैं, बड़े हो गए हैं, और बीच वाले के भी मतलब 8-10 साल के ऐसे ही हो गए हैं। तो मतलब परी की तरफ से अभी तो वो काम भेज पाएगी, लेकिन हम भेज देते हैं उनके लिए राखी। तो परी की राखियाँ भी पहुँच गई थी। तो फ्रेंड्स वीडियो देख लिया करो, इतनी मेहनत से, बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ मैं। जैसे बड़े यूट्यूबर बनाते हैं तो हम भी बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। तो जब आप लोग ही सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे आगे पहुंच पाएंगे? तब तो नहीं पहुंच सकते ना आगे, जब आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो। अब देख लो मैं भी बहुत मेहनत से बनाती, फ़ैन ऑफ कर रखा है मैंने, तब हमको तब जाके वीडियो शूट करना पड़ता है, नहीं तो फ़ैन की आवाज़ आती है, कितना वो होता है कि आप लोगों को डिस्टर्ब होगा। इस वजह से फ़ैन ऑफ करके इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ, फिर व्यूज़ भी ना आए, मतलब कोई देखे ना तब बुरा लगता है। कोई व्यूज़ के लिए तो वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये होता है कि वीडियो बनाने का, मेरा वीडियो बनाने का तो मकसद यही है कि जैसे हम बना रहे तो कोई ना कोई देखे ना कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारा तौर तरीका कैसा है, सबको पता चले ना। जब व्लॉग वगैरह भी बना रहे हैं, मेकअप वीडियो भी भेजी मैंने राखी का, वो भी अभी तक किसी ने देखी नहीं। तो मेरी मेकअप वीडियो होती है ना, जो मैं हमेशा रात के 3-4 बजे, मतलब 2 और 3 बजे ऐसे ही शूट करती हूँ, क्योंकि एंजल आराम से सोई रहती है ना उस टाइम, तब जाके। बाकी मैं तैयार हुई नहीं, तैयार होने का मन नहीं था मेरा, तो मैं तैयार नहीं हुई। पहले जब राखी मनाते थे तो मैं कब से तैयार हो जाती थी, पहले ही भैया और को राखी बांधने के लिए, भाई को राखी बांधने के लिए कब तैयार हो जाती थी मैं, बहुत पहले ही मैं तैयार हो जाती थी। तो मेरे बोलते थे फटाफट तैयार हो, टाइम हो गया है, राखी बांधनी है, फटाफट से तैयार हो जा। अच्छा लगता है ना जब भाई बहन पास में हो, आप खुद अपने हाथों से राखी बांधो तो अच्छा लगता है। और फिर कितनों के, किसी का तो भाई भी नहीं है, और सुशांत सिंह राजपूत को ही देख लो, अब उनके वो इस दुनिया से चले गए, उनकी बहनें कैसे रही होगी उनके बिना, मुझे तो सोच सोच के इतना दुख हो रहा था। तो आप सोचते होंगे कि मैं सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में बात करती हूँ, इंसान था ही इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा इंसान था, उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। हम लोगों को उनको जस्टिस दिलाना चाहिए, हमको उनका साथ देना चाहिए। मैंने वीडियो भी बनाई लेकिन किसी ने देखी नहीं, लेकिन मैंने एक छोटे यूट्यूबर होने के नाते कोशिश तो की है ना उनको जस्टिस दिलाने की। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर है लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है। बोलना मतलब दो बात बोल दो आप, इतने बड़े यूट्यूबर भारत देश का था, उसने सुशांत सिंह जी के बारे में बात की, तो हम क्यों नहीं कर सकते बात? कोई व्यूज़ के लिए थोड़ा वीडियो बनाई, किसी को जस्टिस दिलाना कोई गलत थोड़ा है। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लाइक नहीं करते, लाइक भी करना भूल जाते हो फ्रेंड्स, सब कुछ फ्री है, तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। तो तब तक अपना ध्यान